सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हमने जूम क्लास में डिस्कस किया था बैकग्राउंडिंग, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कंपटीशन के लिए, खासकर एडवांस के पेपर के लिए। तो बिना टाइम के स्टार्ट करते हैं अपना बैकग्राउंडिंग। बैकग्राउंडिंग क्या बताया था बेटा आप लोगों को, कि जो बैकग्राउंडिंग होता है वो क्या होता है, बेसिकली ये होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फील्ड ऑर्बिटल टू एम्प्टी ऑर्बिटल, फील्ड ऑर्बिटल से एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। ये आपके पास एक फील्ड ऑर्बिटल है और साइड वाले एटम पे कोई एम्प्टी ऑर्बिटल है, उसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इस बॉन्डिंग को हम क्या बोलेंगे, बैक बॉन्डिंग। क्लियर है? बड़ा ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं इसका। हम एग्जाम्पल है आपके पास BF3। अब BF3 के मॉलिक्यूल के अंदर सिंपली जो स्टेरिक नंबर होता है वो कितना होता है, 3+0=3। यानी यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है बेटा वो कौन सा है, sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी मॉलिक्यूल की वो कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। और जो बॉन्ड एंगल होगा बेटा यहाँ पे वो कितना होगा, 120 डिग्री। तो बेसिकली हुआ क्या, ये जो बॉन्ड है इसका जब ग्राउंड से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखते हो तो कितना होता है, 1s2 2s2 2p1। यानी 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको तो 3 बॉन्ड बनाने हैं फ्लोरीन के साथ। तो बोरोन जब एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे यहाँ पे तो वो कितना होगा, 1s2 2s1 2p2। यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा, s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 3 ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग करेंगे और 3 इक्विवेलेंट शेप के sp2 ऑर्बिटल बना देंगे। कौन से, 3 sp2 ऑर्बिटल यहाँ पे बन जाएंगे। और जैसे ही 3 sp2 ऑर्बिटल आपके पास बने, अब ये क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। किस तरह से रीअरेंज करेंगे, कि इनके बीच में जो रिपल्शन है वो क्या हो, रिपल्शन जो है वो मिनिमम हो जाए। तो ये अपने आप को इस तरह से 120 डिग्री के एंगल पर अरेंज कर लेते हैं। क्लियर? अब क्या करेगा, इस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को 3 फ्लोरीन एक्सियल साइड से ओवरलैपिंग करना स्टार्ट करेंगे। यहां से एक फ्लोरीन आएगा, दूसरी तरफ से दूसरा फ्लोरीन इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, तीसरी तरफ से हेटेरो ओवरलैपिंग करेगा तीसरा फ्लोरीन, और ओवरलैपिंग से 3 बॉन्ड इसके पास बन जाएंगे। मेरे पास जो बोरोन ट्राइक्लोराइड है ये कैसे बना है, इंटरमिक्सिंग से बना है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, ओवरलैपिंग, यहाँ पे भी ओवरलैपिंग, यहाँ पे भी ओवरलैपिंग। और आपने एक्साइटेड स्टेट में क्या देखा, कि ये अगर 2px है, ये 2py और ये 2pz। तो जो 2pz ऑर्बिटल है वो कैसा है, एम्प्टी है बोरोन के पास। क्लियर? यानी यहाँ पे एक एम्प्टी 2pz ऑर्बिटल प्रेजेंट है, एम्प्टी 2pz ऑर्बिटल। क्लियर? तो बोरोन ट्राइक्लोराइड का स्ट्रक्चर आपने कैसा देखा, कि बोरोन यहाँ पे है, क्लोरीन यहाँ, फ्लोरीन क्लोरीन, इसके पास एक एम्प्टी 2pz ऑर्बिटल है और फ्लोरीन के पास फील्ड ऑर्बिटल है बेटा। ठीक है ना, ये कैसा ऑर्बिटल है, फील्ड, फील्ड ऑर्बिटल है, फील्ड 2p ऑर्बिटल। और यहाँ पे ये कैसा ऑर्बिटल है, एम्प्टी 2pz ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन जो है हाई चार्ज डेंसिटी से लो चार्ज डेंसिटी की तरफ मूव करेगा और इस तरह से यहाँ पे जो बॉन्डिंग बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, बैक बॉन्डिंग। और यहाँ पे ये जो बॉन्डिंग है इसमें कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, ये 2p। और यहाँ पे जो है वो कौन सा इन्वॉल्व है, 2p। और बॉन्ड कौन सा बन रहा है, पाई। इसलिए हम इस बैक बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, 2p पाई बैक बॉन्डिंग। सिमिलरली
आप BCl3 के केस में देख सकते हो, BBr3 के केस में देख सकते हो। तो अगर मैं एग्जांपल डालूं यहाँ पे BF3, BCl3, BBr3, तो यहाँ पे आपके पास जो बैकबोन होगी वो कौन सी होगी, 2p5, 2p5। यहाँ पे कौन सी होगी, 2p5, 3p5। और यहाँ पे कौन सी होगी बेटा, 2p5, 4p5 बैकबोन होगी। अब ये जो बॉन्डिंग है इनका साइज कैसा है, ऑलमोस्ट साइज जो है 2p ऑर्बिटल का वो सेम है, लेकिन यहाँ पे 2p और 4p इनमें साइज में डिफरेंस जो है वो कैसा है, बहुत ज्यादा है। यहाँ साइज सेम है, तो साइज सेम होने की वजह से यहाँ जो ओवरलैपिंग है वो बहुत ज्यादा होगी। ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो बैक बॉन्डिंग भी बहुत ज्यादा होगी, और बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो बैक बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे बैक बॉन्डिंग जो है वो कैसी होगी, मॉडरेट, इन बिटवीन यानी। और यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग है वो कैसी होगी, बिल्कुल पुअर होगी। पुअर होने का रीजन क्या है, साइज डिफरेंस ज्यादा है, और जब साइज डिफरेंस ज्यादा है तो ओवरलैपिंग क्या होगी, कम होगी, और कम होने की वजह से बैक बॉन्डिंग भी का नेचर भी कैसा होगा, कम होगा। तो इसलिए अगर आपको अरेंज करना हो कि किसमें ज्यादा बैक बॉन्डिंग है और किसमें कम, तो आप कैसे अरेंज कर सकते हो, यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि जो BF3 है उसके अंदर बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी BBr3 से, और इसमें ज्यादा होगी BCl3, और इसमें ज्यादा होगी BBr3 से। यहीं पे नेचर पढ़ लेते हैं एसिड बेस का। तो जो BCl3 है, BBr3 है, BF3 है, जो BF3 का स्ट्रक्चर हमने देखा बेटा वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था, यानी इस बोरोन के पास ये कितनी स्पीसीज है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। जब ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो इसका मतलब क्या है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसका मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ठीक है ना। इसको क्या चाहिए, नीड 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, इट्स ऑक्टेट। और ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ले उनको हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड, यानी ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड हाइपो वैलेंट स्पीसीज, क्लियर। तो होगा क्या कि अगर एसिडिक स्ट्रेंथ देखी जाए इनकी तीनों की, तो BF3 के केस में क्या हो रहा है आपके पास, और BF3 के केस में क्या होगा आपके पास बेटा, और BCl3 और BBr3। अब BF3 में तो स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग है, अब स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग होने की वजह से बोरोन के एम्प्टी ऑर्बिटल को इजीली इलेक्ट्रॉन मिल गए, ठीक है ना। तब इलेक्ट्रॉन मिल गए तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो डेफिशिएंसी थी वो क्या हो गई, अब कम हो गई। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जैसे ही कम होगी, अब यहाँ पे आप भले ही स्पेस डाल दीजिए ये उससे इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, तो इसीलिए कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास वीक एसिड की तरह बिहेव करेगा। लेकिन यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग है वो कैसी है बेटा, पुअर है। ब्रोमीन जो है वो बोरोन के एम्प्टी ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, पुअर बैक बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से यहाँ पे जब लुईस बेस डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर को इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये क्या करेगा, इजीली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम लुईस बेस, तो इसलिए कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा। यानी अब मैं इनको अरेंज कर सकता हूँ ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर आपसे पूछा जाए तो, अगर एसिडिक नेचर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका हुआ, अगर
इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपसे पूछा जाए एसिडिक नेचर, तो क्या होगा आपके पास? BBr3 इज ग्रेटर देन BCl3 इज ग्रेटर देन BF3। क्लियर है? तो ये था बैकबोनिंग का कंसेप्ट। हम लोग डिस्कस करते जा रहे हैं बैक बॉन्डिंग, तो उसके बाद कैमरा सही है बिल्कुल। अब मुझे पता होना चाहिए कि जो बैक बॉन्डिंग है, ये जो बैक बॉन्डिंग है बेटा, ये क्या करती है? ब्रिंग्स रिजोनेंस, रिजोनेंस इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर रिजोनेंस लेकर आती है। अच्छा, मॉलिक्यूल के अंदर रिजोनेंस आएगा तो हमेशा वहां पे जो अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेशन का मतलब है डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। जब डबल बॉन्ड बनने बढ़ जाएंगे वहां पे, तो इसका मतलब जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी? कम। अब डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या चाहिए? ज्यादा। यानी बॉन्ड ऑर्डर क्या है वहां पे? ज्यादा होगा। और बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो मेरे पास जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? अब कैसे आएगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर? चलो जी देख लेते हैं। देखो बेटा, BF3 का स्ट्रक्चर हमने अभी देखा। जो BF3 है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है आपके पास, ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ ये 6 इलेक्ट्रॉन है सभी फ्लोरीन के पास। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एम्प्टी ऑर्बिटल में जाएंगे, मूव करेंगे, तो आपके पास क्या होगा? फ्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज, और ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। उसी तरह से जब ये फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ये वापस डबल बॉन्ड वापस चला जाएगा, तो आपके पास जो दूसरा स्ट्रक्चर बनने के चांस है वो कुछ इस तरह से बनने के चांस है, जिसमें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अगर ये फ्लोरीन इन्वॉल्व करेगा तो आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड फ्लोरीन, दिस नेगेटिव पॉजिटिव, दिस वन इज फ्लोरीन, दिस वन इज फ्लोरीन। क्लियर? तो आप देख क्या रहे हो कि जो डबल बॉन्ड है तीनों बॉन्ड्स के ऊपर क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। और आपके पास यहाँ पर जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा फाइनल, वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बन रहा है बोरोन ट्राइक्लोराइड का, कि ये बोरोन फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, और यहाँ से ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है वो तीनों बॉन्ड्स के ऊपर लाइक कर रहा है। ठीक है? तो एक्चुअली में एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि जो बोरोन ट्राइक्लोराइड है हमें देखने में क्या दिख रहा है? सिंगल बॉन्ड। तो थ्योरेटिकली मैं क्या कह सकता हूँ, थ्योरेटिकली ये एक्सपेक्टेड था यहाँ पे कि इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होना चाहिए? जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए? 1.52 एंगस्ट्रॉम। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ मिली एक्सपेरिमेंटली, जो एक्सपेरिमेंटल डाटा देखा गया, तो एक्सपेरिमेंटली हमें क्या पता चला कि जो बॉन्ड लेंथ है यहाँ पे वो तो 1.34 एंगस्ट्रॉम ही है। यानी बॉन्ड लेंथ क्या हो गई? कम हो गई। भाई ये बॉन्ड लेंथ जो है वो कम क्यों हो गई? क्यों हो गई? ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है जब रिजोनेंस आएगा मॉलिक्यूल के अंदर, तो BF3 के मॉलिक्यूल में बेसिकली हुआ क्या कि जो BF3 का मॉलिक्यूल है, आप कंक्लूड कीजिए इसको कि यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग है वो बहुत ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है। जब बैक बॉन्डिंग ज्यादा है तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो बढ़ गया, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि मॉलिक्यूल के अंदर जो अनसैचुरेशन है वो क्या हो गया? बढ़ गया, जिसकी वजह से जो बॉन्ड ऑर्डर है, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो रहे, तो बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हो गया? बढ़ गया। और मुझे पता है कि ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है डबल से इसकी सिंगल से, तो जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो गई? कम।
और बोन जितना छोटा होगा उसके तोड़ने के लिए एनर्जी उतनी ही ज़्यादा लगानी पड़ेगी, तो बोन डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी ज़्यादा। तो हम कंपेयर कर सकते हैं ना, बैक बॉन्डिंग के केस में BF3 इज ग्रेटर देन BCl3 इज ग्रेटर देन BBr3, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी किसके अंदर होगा जिसमें बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, BF3 में ज़्यादा होगी BCl3 से, BCl3 में BBr3 से। अनसेचुरेशन भी जिसमें बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, बोन ऑर्डर भी तो अरेंज कर सकते हैं हम इस ट्रिक से, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए बैक बॉन्डिंग के क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक बार फिर कैमरा देख लेते हैं, क्योंकि मेरी दो बार मेहनत खराब हो चुकी है आज। चलो कैमरा ठीक चल रहा है बेटे। तो नेक्स्ट है आपके पास, जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर मुझे क्लियर हो गया तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए डाइमेराइजेशन के बारे में। अब बोरोन के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, ग्रुप नंबर 33, बोरोन के नीचे प्रेजेंट है एल्यूमिनियम। अब बोरोन तो बैक बॉन्डिंग शो करता है लेकिन ये बैक बॉन्डिंग शो नहीं करता, तो एल्यूमिनियम क्या शो करता है, ये डाइमर बनाता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये भी पता होना चाहिए। तो होगा क्या, आपको पता होना चाहिए कि डाइमेराइजेशन क्या होता है, व्हेन टू मॉलिक्यूल्स और आयंस कम टूगेदर एंड फॉर्म डाइमर, जब दो मॉलिक्यूल और आयन मिलकर डाइमर बनाए उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड डाइमराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड ये क्या बनाएगा, एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाइमर, एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाइमर, यानी इसके दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ पे जो है जो बैक बॉन्डिंग है वो नहीं होगी, क्लियर, डाइमर बनेगा और डाइमर बनने के बाद ये क्या बना लेगा, Al2Cl6। कैसे बनाएगा डाइमर ये पता होना चाहिए। द स्ट्रक्चर ऑफ Al2Cl6 इज एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इसके ये तीन क्लोरीन आपके पास जो है, इसी तरह से इसके पास तीन क्लोरीन है इसके। अब होगा क्या, इसका क्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और इसका क्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो बेसिकली यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही, ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और क्योंकि डाइमर बन रहा है तो डाइमर बनने से जो मॉलिक्यूलर मास है ओवरऑल वो क्या हो रहा है, इंक्रीज, इसीलिए कंपाउंड का जो सॉलिड नेचर है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर है, सॉलिड नेचर जो है Al2Cl6 जो है वो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। अब पता होना चाहिए कि आपके पास, मैंने क्या देखा, एक ही ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है, एक है BF3 और एक तरफ है AlCl3। जो BF3 है इसमें बैक बॉन्डिंग जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक, क्लियर है, यानी ये बैक बॉन्डिंग शो करेगा, लेकिन AlCl3 के अंदर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है। अगर होगी भी तो बहुत पुअर होगी, करेगा ही, तो यहाँ पे होगा क्या, बेसिकली ये प्रोसेस फॉलो करेगा डाइमराइजेशन का, यानी डाइमराइजेशन का मतलब क्या है, इट विल फॉर्म डाइमर, इट विल फॉर्म डाइमर, लेकिन जो BF3 है इट विल नॉट फॉर्म डाइमर, इट विल नॉट फॉर्म डाइमर। डाइमर क्यों नहीं बनाएगा, डाइमर क्या, B2F6 ये नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आप बैक बॉन्डिंग ना करा के यहाँ पे B2F6 का डाइमर बनाने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, जो एनर्जी है B2F6 बनते हुए उतनी ज़्यादा रिलीज नहीं हो पाएगी जितनी कि बैक बॉन्डिंग के टाइम पे रिलीज होती है, ठीक है ना, इसलिए स्टेबिलिटी नहीं आएगी मॉलिक्यूल के अंदर, इसलिए ये जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल कम होगा बेटा, इसीलिए B2F6 नहीं बनता। लेकिन एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के केस में जब डाइमर बनता है तो डाइमर बनते हुए जब ये डाइमर बनाएगा तो
तो यहाँ पे क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। और जब लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी तो बेसिकली वो क्या देगा, जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो डायमर बनाते हुए यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है बैक बोनिंग के कंपेरिजन में, इसलिए एलमोनियम ट्राइक्लोराइड प्रीफर करता है डाइमराइजेशन करना। और BF3 में जब बैक बोनिंग होगी तब ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए BF3 जो है वो क्या करता है, प्रीफर करता है कौन सा हमारे पास जहाँ पे बैक बोनिंग करना। दूसरा आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से भी अगर आप देखो तो आपके पास होता क्या है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से भी अगर आप एनर्जी को कंपेयर करो और रिएक्शन प्रोग्रेस के साथ, तो जब BF3 बना तो ये BF3 की एनर्जी है, लेकिन जब B2F6 बनेगा सेम मॉलिक्यूल के लिए तो उसकी एनर्जी जो है हाई आती है B2F6, यानी जो एनर्जी है वो क्या है B2F6 के लिए ज़्यादा है BF3 के लिए कंपेरिजन में। तो यहाँ पे एनर्जी, जो एनर्जी है वो ज़्यादा होने की वजह से ये कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, इसलिए B2F6 क्या करता है, डो नॉट प्रीफर डाइमराइजेशन। ये क्या करेगा, प्रीफर करेगा बैक बोनिंग को। क्यों प्रीफर करेगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो है वो रिलीज होगी बहुत लार्ज अमाउंट में और मॉलिक्यूल को क्या देगा, स्टेबिलिटी जो है उसकी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन BF3 जो है मेरे पास यहाँ पे क्या है, BF3 के केस में एनर्जी कम है, बैकबोनिंग नेचर ज़्यादा होता है इसका, तो इसे BF3 क्या करता है, बैकबोनिंग करना ज़्यादा प्रिफर करता है। क्लियर है, तो एक बार और कैमरा देख लेते हैं, इट्स ओके, कैमरा इज गोइंग ऑन। अब देखा बैक बोनिंग कितने काम की चीज़ है, कहाँ पे डाइमराइजेशन होगा, कहाँ बैक बोनिंग होगी, कहाँ नहीं होगी, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम सोल्व कर सकते हैं बैक बोनिंग कंसेप्ट से। फॉर एग्जांपल हम क्या लेंगे, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं एडवांस का, क्वेश्चन क्या है आपके पास है अमोनिया, आपके पास है फॉस्फीन और आपके पास है PF3, तो बोन एंगल आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोन एंगल को और डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोन एंगल क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो बेसिकली अमोनिया के अंदर तो मुझे पता है जो स्टेरिक नंबर है वो कितना है, 3+1 4, यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना है, SP3। जो ज्योमेट्री है वो कैसी है, टेट्राहेड्रल में एंगल कितना होगा, 109°28 मिनट। लेकिन अमोनिया का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इसके ऊपर एक लोन पेयर आ जाता है, याद करो पीछे का रिवाइज करा दिया, तो एंगल इतना ना होकर एंगल कितना हो जाता है, ये लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होता है, मैंने बताया था ना लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बोन पेयर इज ग्रेटर देन बोन पेयर। तो ये लोन पेयर इन पे रिपल्शन डालेगा और बोन एंगल को कम कर देगा, इसलिए यहाँ पे जो शेप होगी वो कैसी हो जाएगी, आपके पास पिरामिडल, टेट्राहेड्रल से ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, शेप कैसी होगी पिरामिडल, और जो बोन एंगल है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी जो बोन एंगल है वो डिक्रीज हो जाएगा कितना, 107 डिग्री आसपास। क्लियर, अब यहाँ पे अमोनिया के केस में तो जो बोन एंगल है वो कितना है आपके पास, 107 डिग्री है बोन एंगल, क्योंकि यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो है हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन आता है। लेकिन यहाँ से यहाँ के मॉलिक्यूल्स के अंदर आप देखो परसेंटेज एस कैरेक्टर, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ के, ये किसके अंदर है, प्योर एस ऑर्बिटल के अंदर है, पहले मैंने
कंसेप्ट है, हाइब्रिडाइजेशन वाला जो कंसेप्ट है आपके पास वो नहीं होगा, ठीक है ना। नोट आकर क्रॉस मतलब हाइब्रिडाइजेशन तो होगा नहीं, तो होगा क्या ओवरलैपिंग, ठीक है ना। अब अगर आप देखो तो बच्चा यहाँ पे गलती क्या करने वाला है, ब्रेकअप करते हुए वो क्या करेगा कि अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाएगा और यहाँ पे तो बोन एंगल बता देगा 160 डिग्री, चलो बिल्कुल सही। उसी तरह से वो गलती क्या करेगा, फॉस्फीन का स्ट्रक्चर बनाएगा और उसी तरह वो पीएचडी का स्ट्रक्चर बनाएगा ये वाला, और वो क्या करेगा कि ये जो टर्मिनल एलिमेंट है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी फास्फोरस के पास, उन फास्फोरस के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज। डिक्रीज होने की वजह से रिपल्शन क्या होगा, डिक्रीज। रिपल्शन डिक्रीज होने की वजह से वो क्या करेगा कि बोन एंगल भी क्या होगा कम, और यहाँ पे वो क्या करेगा कि फास्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करके देखेगा और वो क्या कहेगा कि ऑन फास्फोरस जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या कर देगा उसको इंक्रीज, वो क्या कहेगा कि जो रिपल्शन है यहाँ पे वो क्या होगा बढ़ेगा और बोन एंगल बढ़ेगा। तो स्टूडेंट गलती क्या करने वाला है, इसलिए एडवांस की प्रॉब्लम है, स्टूडेंट गलती क्या करने वाला है यहाँ पे, वो बताने वाला है आंसर क्या ठीक करने वाला है कि अमोनिया का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, फिर उसके बाद PH3 का ज्यादा होगा और उसके बाद PF3 का ज्यादा होगा, लेकिन ये गलत है टोटली। एक्चुअली में होगा क्या, जो ये PF3 का मॉलिक्यूल है ना, यहाँ पे ये रूल लगेगा ही नहीं। एक्चुअली होगा क्या, जो PF3 का मॉलिक्यूल है इसके पास जो एंटी ऑर्बिटल होंगे और इसके पास जो फील्ड ऑर्बिटल होंगे ये इसके पास बैकबोनिंग करेंगे इसके एंटी ऑर्बिटल के अंदर। तो यहाँ पे जो PF3 का मॉलिक्यूल है उसके अंदर क्या होगी, बैकबोनिंग बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो फास्फोरस के ऊपर इंक्रीज हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फास्फोरस पे इंक्रीज होगी तो बेटा वहां पे जो रिपल्शन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और रिपल्शन इंक्रीज होगा तो जो बोन एंगल है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसलिए जो करेक्ट ऑर्डर होगा यहाँ पे आंसर क्या होगा, जो आंसर है आपके पास वो कुछ इस तरह का बनने वाला है आपके पास कि अमोनिया इज ग्रेटर देन PH3 इज ग्रेटर देन PH3। ये ऑर्डर होगा जिसमें ये एंगल जो है 160 डिग्री, ये 96 डिग्री और ये 93 डिग्री के आसपास आएगा, क्लियर है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखने लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है CH2 पॉजिटिव OH एंड CH2 पॉजिटिव SH में स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है आपको। स्टेबिलिटी जो है किसकी ज्यादा होगी, तो होगा क्या, अब यहाँ पे भी बैकबोनिंग काम आएगी, तो बैकबोनिंग के लिए हमेशा आप देख लीजिए साइड वाले एटम फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या कार्बन है, ये शो करेंगे जनरली आपके पास। तो यहाँ पे इस कार्बन के पास CH2 और ये एम्प्टी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। साइड में ऑक्सीजन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर पड़े हुए हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे, बैकबोनिंग स्टार्ट करेंगे। तो बैकबोनिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से इधर की तरफ, ठीक है। तो ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है यहाँ पे, 2p, और यहाँ पे भी कौन सा है, 2p। तो यहाँ पे बेसिकली जो बॉन्डिंग है वो कौन सी है, 2p5 पे बॉन्डिंग। लेकिन सल्फर के केस में क्या होगा आपके पास, जब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये एम्प्टी ऑर्बिटल और साइड में जो सल्फर है आपके पास
ये फिल ऑर्बिटल आपके पास है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल है वो कौन सा 3p है और ये कौन सा है 2p, तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी वो 2p π 3p π होगी। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी बॉन्डिंग होती है, 2p π 2p π ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है 2p π 3p π से, क्योंकि यहाँ पे साइज डिफरेंस है, यहाँ पे सेम साइज है। तो जो बॉन्डिंग जहाँ पे बैक बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी वो ट्रिक क्या बन गई आपके पास कि वहाँ पे जो स्टेबिलिटी है मॉलिक्यूल की उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी मैं अरेंज कर सकता ना मॉलिक्यूल को कि CH2 पॉइंट जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा CH2SH से। एंड द लास्ट मॉलिक्यूल इज, एक और कर लेते हैं आपके पास है अगेन एडवांस मॉलिक्यूल CH2 - Cl और दूसरा है CH2- जो है आपके पास, मैं क्या ले लूँ, चलो तो ये ले लेते हैं फ्लोरीन। तो इनमें ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा भाई, ये जो जो स्पीसीज कार्बन पे नेगेटिव चार्ज को कम कर देगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी। अब आप गलती क्या करने वाले हो, सर फ्लोरीन की जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा होती है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा। गलत है, ये कंसेप्ट गलत हो जाएगा। तो होगा क्या वहाँ पे, हमें क्या देखना पड़ेगा, बैक बॉन्डिंग, ठीक है। इस क्लोरीन के पास एंटी डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, एंटी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स को उन एंटी डी ऑर्बिटल पे ले लेगा, इसलिए जो स्टेबिलिटी है इस मॉलिक्यूल की ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे नो एंटी डी ऑर्बिटल, कोई एंटी डी ऑर्बिटल नहीं है, कोई भी एंटी डी ऑर्बिटल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाई, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और यहाँ पे क्या होगी, बैक बॉन्डिंग जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, इसलिए स्टेबिलिटी क्या है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो मेरे पास ओवर क्या होगा, CH2Cl ज़्यादा स्टेबल होगा CH2F से। एक और बार कैमरा देख लेते हैं, इट्स ओके, सही चल रहा है। और लास्ट मॉलिक्यूल है आपके पास, देख लेते हैं बोरासिन। तो बोरासिन के केस में भी आप लोग करके देखोगे क्या होगा। तो बोरासिन बेसिकली होता क्या है, बोरासिन, ये बोरासिन का स्ट्रक्चर होता है, फील्ड ऑर्बिटल से एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। और जब बैक बॉन्डिंग होगी तो मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, जिससे मॉलिक्यूल का अनसेचुरेशन बढ़ेगा, अनसेचुरेशन बढ़ने से बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है, ठीक है ना। और बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो देखो, बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन, बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन, रिजोनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, एसिडिक नेचर से रिलेटेड क्वेश्चन, तो कितने सारे क्वेश्चन, कितने सारे कंसेप्ट हमारे पास बैक बॉन्डिंग से क्लियर हो जाते हैं।
तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवांस के लिए और एम्स के लिए, तो बेटा बड़े अच्छे से करोगे, ठीक है ना। और कल जो मैंने आपको ड्रैगन रूल बताया था वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड एंगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल एक नए टॉपिक के साथ नए एनर्जी के साथ मिलेंगे और डिस्कस करेंगे पी पाई डी पाई बाई बॉन्डिंग, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, ठीक है बेटा। ओके थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।